हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गिवन है मॉड ऑफ जेड लेस देन वन एंड डब्ल्यू वैल्यू गिवन है। बेटा फर्स्ट टर्म डब्ल्यू वैल्यू गिवन है, फ्रॉम डब्ल्यू जेड फाइंड आउट करोगे। जेड फाइंड आउट करोगे मींस डब्ल्यू इज इक्वल टू टर्म गिवन है 5 + 3z होल डिवाइडेड बाय 5 1 - z। इस टर्म से वैल्यू ऑफ जेड फाइंड आउट करो। वैल्यू ऑफ जेड फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 W 1 minus Z is equal to 5 plus 3Z. 5W minus 5WZ is equal to 5 plus 3Z. Number shift करोगे, Z find out करना है, term shift कर दो, 5W minus 5 is equal to 3Z plus 5WZ. Z common, this number is 3 plus 5W. इस साइड 5W माइनस 5, वैल्यू ऑफ z आ जाएगी 5W माइनस 5 होल अपॉन 3 + 5W. 3 + 5W, दिस टर्म इज वैल्यू ऑफ z. नाउ गिवन है मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z गिवन है, मॉडुलस ऑफ z टर्म गिवन है, सो दैट मॉडुलस ऑफ दिस नंबर फाइंड आउट करो। मॉडुलस टर्म, मॉडुलस ऑफ दिस नंबर, मॉडुलस फाइंड आउट करोगे, मॉडुलस प्रॉपर्टी दोनों टर्म सेपरेट करो, सेपरेट करोगे नंबर आ जाएगा 5W माइनस 5 होल अपॉन 3 + 5W. मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड है एंड मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 है, लेस देन 1, दिस टर्म इज लेस देन 1. डिनोमिनेटर नंबर शिफ्ट करोगे 5W माइनस 5 इज लेस देन 3 + 5W. 3 + 5W. Now, value of W, beta W bhi complex number hai, W assume karo X plus A ota Y. W assume karo X plus A ota Y. This number is 5. X plus A ota Y minus 5 less than 3 plus 5 into X plus A ota Y. Modulus. Multiplication karo. Multiplication karo ge, number aa jayega 5X. बेटा रियल नंबर सेपरेट कर दो, 5x माइनस 5 प्लस 5y एटा लेस देन सेकंड टर्म, रियल नंबर सेपरेट करोगे 3 प्लस 5x प्लस 5y एटा होल मॉडुलस। दोनों तरफ मॉडुलस है, मॉडुलस मींस रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर, पता है ना, मॉडुलस मींस रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर। सिंपल मॉडुलस मींस रियल टर्म, फर्स्ट नंबर है रियल टर्म स्क्वायर, रियल टर्म स्क्वायर मींस अंडर रूट ऑफ रियल नंबर 5x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 5x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, स्केयरिंग करोगे, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग टर्म this number is 5x minus 5 whole square plus 25y square, 9 plus 25x square plus 15 into 2 30x plus 25y square, 25y square cancel हो जाएगा, first number हो जाएगा 25x square plus 25 minus 15x, formula पता है, a square plus b square minus 2ab, इस side आ जाएगी term, right side is equal to, बेटा ये सिंपल इज इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन सिंपल आएगा, लेस देन सिंपल है, लेस देन सिंपल है, इसलिए लेस देन टर्म यूज करोगे, लेस देन 9 + 25x स्क्वायर + 30x, टर्म कैंसिल, 25 - 9 लेस देन 30x + 50x, 16 is greater than 80x, x is greater than 1 by 5. X means real part of W है, x means real part of W is greater than 1 by 5. 5 multiply करोगे, 5 real part of W is greater than 1. 5 into real part, option C final answer है. Clear है students? Please students हमारे channel को like करें and subscribe करें.
थैंक यू स्टूडेंट।